एज अ सेलर हम सभी चाहते हैं कि किसी भी तरह कॉम्पिटिटर की सेल्स पता चल जाए या नंबर वन बेस्ट सेलर रैंक के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड सेल्स पता कर सकते हैं और वो भी फ्री में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। एस्टिमेटेड सेल्स पता करने के लिए हम एक टूल का यूज करेंगे। टूल का नाम है Sellersprite एंड ये बहुत ही एक्सटेंसिव टूल है। एक्चुअली ये कंप्लीट सूट है। तो सेल्स पता करने के लिए ये एक फीचर देता है जो कि फ्री में अवेलेबल है, सेल्स एस्टिमेटर। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप पर टू एस्टिमेट द सेल्स। तो सबसे पहले आपको अपने Sellersprite डैशबोर्ड में लॉग इन ले लेना है। उसके बाद आप टूल सेक्शन में जाएंगे और आप यहाँ पे फ्री टूल्स में देखेंगे लिखा हुआ है सेल्स एस्टिमेटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम दो तरीके से सेल्स एस्टिमेट कर सकते हैं। एक है BSR सेल्स एस्टिमेटर बेस्ट सेलर रैंक के अकॉर्डिंग, कि अगर मैं एक रैंक यहां पे डालूंगा, मैं अभी दिखाता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को उस रैंक को अचीव करने के लिए मेरे को कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। और दूसरा है एसिन सेल्स एस्टिमेटर जिसके थ्रू हम यूज करके ये पता कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट मंथ ओवर मंथ कितना बिक रहा है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम Amazon से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल सोलारा 1 लीटर सिपर वाटर बॉटल कंसीडर किया है, तो इसका हम एसिन कॉपी करेंगे। एसिन कॉपी करने के दो तरीके मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया, मैं फिर से बता, या तो आप ऊपर URL में जाके जो भी ASIN है वहां से कॉपी कर सकते हैं। ASIN हमेशा B से शुरू होगा, B for boy। एंड दूसरा तरीका है आप नीचे आएंगे और डिस्क्रिप्शन में हमेशा ASIN नंबर होता है, वो आपको मिल जाएगा जो कि यहां पे है ASIN। आप देख सकते हैं कि ये नंबर है यहां पे ASIN नंबर, आप इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एक चीज और है जो यहां पे हम देखना चाहेंगे कि ये जो वाटर बॉटल है, जो ये ASIN है, जो ये प्रोडक्ट है, वो किस क्या रैंक है उसकी। तो उसकी आप देखोगे बेस्ट सेलर रैंक है 559 होम एंड किचन में और वाटर बॉटल्स में है 19। ये नंबर्स आप याद रखिएगा क्योंकि अभी इसी को वैलिडेट करेंगे कि क्या टूल हमें सही डेटा दे रहा है या नहीं। ठीक है, ओके, तो लेट्स गो टू द Sellersprite डैशबोर्ड और हम पहले ASIN के थ्रू यहां पे ये फिगर आउट करेंगे कितनी सेल आ रही है। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लिया। अगर मान लीजिए आप यूनाइटेड स्टेट्स मतलब .com पे सेल कर रहे हैं या किसी और मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं तो वो आप यहां फिल्टर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इंडिया का ASIN एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, तो मैंने इंडियन मार्केट प्लेस सेलेक्ट किया। एंड इसके बाद हमने ASIN यहां पे कॉपी कर दिया है और एस्टिमेटेड सेल्स पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखोगे सेम प्रोडक्ट हमारा आ चुका है। इसके अलावा आप देखोगे नीचे ना पूरा डेटा आ गया है, मंथ ओवर मंथ पर मंथ हमारी कितनी यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, पर मंथ रेवेन्यू कितना है और एवरेज प्राइस क्या। तो आप यहाँ पे देखोगे जून 2023 से लेके हमारे पास जुलाई 2024 तक का डेटा अवेलेबल है। एंड इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो आप देखोगे ये जितने भी ग्राफ हैं नीचे डे बाय डे रियल टाइम पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मुझे जून का डेटा देखना है कि जून में कितनी सेल इन्होंने करी है पर डे बेसिस पे। तो आप देखोगे फर्स्ट जून को इन्होंने 57 यूनिट्स सेल करे हैं, देन 63, 70, 89, तो इस तरीके से इन्होंने सभी यूनिट सेल करें। तो आप देखोगे ऑन एन एवरेज 60 यूनिट्स पर डे तो इन्होंने बेची हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी ASIN का किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो पर डे कितने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, क्या उनका रेवेन्यू। ठीक है, इस तरीके से अब बात करते हैं BSR सेल्स एस्टिमेटर का। तो आपको याद होगा मैंने दिखाया था कि सोलारा वाटर बॉटल की 559 रैंक है होम एंड किचन में, राइट। तो अगर मुझे होम एंड किचन में इतनी रैंक चाहिए तो मुझे कितने प्रोडक्ट सेल करने होंगे, राइट। तो इंडिया मार्केट प्लेस हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके बाद हम होम एंड किचन कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया है और लेट सपोज मुझे 559 बेस्ट सेलर रैंक अचीव करनी है तो उसके लिए मुझे कितनी सेल्स करनी होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी होम एंड किचन है, बेस्ट सेलर रैंक 559 जो हमारा टारगेट है। एस्टिमेटेड डेली यूनिट्स जो मुझे सेल करनी होगी वो होगी लगभग 61 और मंथली यूनिट्स होंगी 1834, व्हिच एक्चुअली मेक सेंस क्योंकि जब हमने ASIN सेल्स एस्टिमेटर से सोलारा का जब सेल्स पता किया था तो एवरेज आ रहा था 60, राइट। तो इस तरीके से आप किसी प्रोडक्ट की सेल्स मंथ ओवर मंथ पता कर सकते हैं या अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी कोई सिमिलर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या उसी टाइप का या उस कैटेगरी में आप किसी पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं, लेट सपोज नंबर वन पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि आपको कितने यूनिट्स पर डे एंड पर मंथ सेल करने होंगे। तो लेट सपोज अगर मुझे होम एंड किचन में नंबर वन आना है तो मुझे चाहिए होंगे लगभग डेली यूनिट्स लगभग ऑलमोस्ट 1500 यूनिट्स बेचने होंगे। तो इस तरीके से आप सेल्स एस्टिमेटर जो कि एक फ्री टूल है Sellersprite का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स फ्री में पता कर सकते हैं। Sellersprite टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल्सो ये टूल आपको बहुत सारे फीचर्स देता है, कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं। लेकिन अगर आप पेड टूल लेने का सोच रहे हैं तो 35% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड EMMA30। अकाउंट बनाते वक्त EMMA30 कोड को यूज करना ना भूलें। ऑल्सो वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे मुझे भी आपका फीडबैक मिल जाए कि वीडियो आपके काम आया। और स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढना सीखना है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं।